हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में क्लास 12th और नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर का हम एक लेक्चर अभी तक अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। यदि आपने पहले वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। और पहली वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, लेक्चर नंबर 2। और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो ये है हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो कैसा होता है देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं, ठीक है ना, ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये सेंट्रल पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, और क्रोमोसोमल मटेरियल का मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आप जो न्यूक्लियस है इसमें जो आगे की तरफ एंटीरियर पोर्शन है जो इसका, वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्रोसोम, क्या बोलते हैं इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को, एक्रोसोम कहते हैं। और ये तुम्हारा इतना पार्ट क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। बेसिकली स्ट्रक्चर जो है स्पर्म का उसको हमने 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। हेड पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है नेक, तीसरा पार्ट होता है मिडिल पीस, और चौथा पार्ट होता है टेल, ठीक है ना। 4 पार्ट में डिवाइडेड है स्पर्म का स्ट्रक्चर, हेड में, नेक में, मिडिल पीस और टेल में, ठीक है। ये इसकी नेक है यहाँ पर, ठीक है, ये नेक है। फिर बीच वाला पोर्शन ये कहलाता है मिडिल पीस, और इस मिडिल पीस में आपको क्या दिखाई देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो कि एनर्जी का सोर्स होता है। जो स्पर्म होता है उसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर, ठीक है ना, एक लंबा रास्ता तय करना होता है, तो उसको स्विमिंग के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी को कौन प्रोवाइड कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है एनर्जी। और ये माइटोकॉन्ड्रिया किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के, तो ये मिडिल वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, मिडिल पीस में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर आपको ये लंबी टेल दिखाई दे रही है नीचे, है ना, ये 4th पार्ट होता है स्पर्म का, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें, देखो हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है, ए स्पर्म इज कंसिस्ट ऑफ हेड, स्पर्म के अंदर क्या होता है, हेड होता है, नेक, ठीक है ना, उससे नेक्स्ट पार्ट नेक होता है, नेक के बाद क्या था, मिडिल पीस, ना मिडिल पीस होता है, और टेल। तो इन 4 चीजों से मिलकर स्पर्म बना होता है, ना, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। वही अगर हम देखें पूरा का पूरा जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर सराउंडेड होता है किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पूरा स्ट्रक्चर स्पर्म का सराउंडेड होता है, ठीक है। स्पर्म का जो हेड होता है उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। स्पर्म के हेड में क्या होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, विच इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। और ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहता है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है ना, एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम भरे हुए होते हैं, ठीक है ना, कौन सा एंजाइम होता है एक्रोसोम के अंदर, लिख लेंगे आप हाइलुरोनाइडेज,
हेलुरोनाइडेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है ना, एक्रोसोम के अंदर, और इसी की हेल्प से स्पर्म एंट्री कर पाते हैं किसके अंदर, ओवम के अंदर, ठीक है ना। ओवम की एक लेयर होती है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, और जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करके, ठीक है ना, स्पर्म अंदर घुस जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक्रोसोम के अंदर मैंने क्या बताया, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होता है हेलुरोनाइडेज, और इसकी हेल्प से एंट्री हो पाती है स्पर्म की कहां पर, ओवम, ओवम में। ओवम में क्या पाई जाती है, जोना पेलुसिडा क्लियर है और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये भेदता हुआ, ठीक है ना, उसको पेनिट्रेट करता हुआ अंदर घुस जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मिडिल पीस पोजिस मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमने देखा था जो मिडिल पीस होता है, ठीक है ना, बीच वाला जो पोर्शन होता है स्पर्म का, उसमें बहुत सारे हमको क्या देखने को मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, विच जनरेट एनर्जी, और इनसे एनर्जी मिलती है फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल, ठीक है ना, मूवमेंट करने के लिए एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं मिडिल पीस में, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इन सबको आपको कॉपी में साथ साथ नोट करना है, या फिर आप एनसीईआरटी को लेकर साथ में बैठिए और इन सभी पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलिए, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स हमने एनसीईआरटी की बुक से लिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक एग का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये ठीक है ना, ओवम, एक ओवम है। तो ओवम की मैं इसमें बेसिकली आपको क्या बताना चाहता हूँ, तीन लेयर होती है ओवम की, तो उन लेयर्स के नाम याद रखने हैं आपने। जो सबसे बाहर की लेयर आपको ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ओवम की जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर आपको दिखाई दे रही है व्हाइट में, इसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये तीन लेयर है, क्रम से याद कर लेना, सबसे बाहर क्या होती है, कोरोना रेडिएटा, उसके बाद होती है जोना पेलुसिडा, उसके बाद होती है विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जोना पेलुसिडा और विटलाइन मेम्ब्रेन को ऐसे भेदता हुआ स्पर्म अंदर चला जाता है और ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट 200 मिलियन टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए कोइटस। जब एक बार कोइटस करने से जो मेल होता है वो कितने स्पर्म्स को इजैकुलेट करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक में, तो 200 मिलियन से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स, देखो ह्यूज अमाउंट में स्पर्म्स बाहर छोड़े जाते हैं, है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक में, और कोई एक स्पर्म के इतने स्पर्म में से 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट किए जाते हैं, और इतने स्पर्म में से केवल एक स्पर्म एग के अंदर जा पाता है, ठीक है ना, और सबसे पहले जो चला जाएगा और उसके बाद और अदर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है, केवल एक ही स्पर्म एग के अंदर जा सकता है, ठीक है। फॉर इफेक्टिव फर्टिलिटी आउट ऑफ विच एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम हैव वाइग्रस मोटिलिटी। इतने स्पर्म्स का जो 60% स्पर्म है, जो 60% स्पर्म है, ये ना वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और 40% स्पर्म्स, 40% ऑफ देम हैव वाइग्रस मोटिलिटी, मतलब तेज गति वाले, जिनकी के पास मोशन है ना, गति करने की क्षमता ज्यादा हो, तो ऐसे स्पर्म कितने होने चाहिए, 40% होना चाहिए। तो जब स्पर्म्स का इस तरीके का कंपोजिशन होता है कि 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे और 40% स्पर्म वाइग्रस मोटिलिटी वाले होंगे, तो उन स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, हेल्दी स्पर्म कहते हैं, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। जो एपिडिडाइमिस है, ठीक है ना, वास डिफरेंस है, सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट है,
ये इनकी सबकी जरूरत होती है फॉर मैच्योरेशन, क्योंकि इन सब के अंदर क्या होता है, मैच्योरेशन होता है स्पर्म का एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मोटिलिटी का मतलब क्या है, मोटिलिटी का मतलब भाई स्पर्म को अगर मूव करना है तो मूव करने के लिए उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, इनका जो सिक्रीशन होता है वो एक मीडियम प्रोवाइड कराता है स्पर्म को, ठीक है ना, मोटिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। अब हम समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में हॉर्मोन्स का क्या रोल होता है, ठीक है ना, रोल ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का रोल। तो GnRH एक हॉर्मोन है, ठीक है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन इसको हम बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म होती है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन। और ये हॉर्मोन कहां से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है GnRH एक हॉर्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, ठीक है। और ये हॉर्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है, ये हॉर्मोन एक्ट करता है एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये एक्ट करता है। तो जब हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ जो हॉर्मोन है GnRH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, एक को हम बोलते हैं LH और एक को हम बोलते हैं FSH, ठीक है ना। FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ठीक है, और LH को हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। तो ये दो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, एक LH होता है एक FSH होता है। अब LH कहां पर एक्ट करेगा, तो LH एक्ट करता है लीडिंग सेल के ऊपर, इंपॉर्टेंट बात है ये, LH एक्ट किसके ऊपर करता है, लीडिंग सेल के ऊपर, और FSH एक्ट किसके ऊपर करता है, सर्टोली सेल के ऊपर, ठीक है ना। FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल के ऊपर, और LH हॉर्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, ये एक्ट करता है लीडिंग सेल के ऊपर। जब लीडिंग सेल के ऊपर LH एक्ट करता है तो लीडिंग सेल से एक हॉर्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, या टेस्टोस्टेरोन भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो लीडिंग सेल से क्या होता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन विच इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब ये मेल सेक्स हॉर्मोन होता है एंड्रोजन, या टेस्टोस्टेरोन भी आप इसको बोल सकते हो, यहां पे लिख देता हूं मैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन ये मेल सेक्स हॉर्मोन कहलाता है, मेल सेक्स हॉर्मोन। जब ये हॉर्मोन सिक्रीट होता है तो तभी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये स्टिमुलेट करता है। किस एज में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन सिक्रीट होने लगता है, तो 13 से 14 इयर्स की एज में, ठीक है ना, इस एज में ये हॉर्मोन सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। और FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर, और जब सर्टोली सेल पर ये एक्ट करेगा तो सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स को रिलीज करती है, सर्टोली सेल कुछ फैक्टर को रिलीज, सम फैक्टर्स, और ये जो फैक्टर्स रिलीज होंगे ये फैक्टर्स स्पर्मियोजेनेसिस को कंप्लीट करवाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो FSH की वजह से स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होती है,
मतलब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोवा में कन्वर्ट हो जाता है, और LH हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल पर एक्ट करेगा, और लीडिंग सेल से क्या सिक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन जो कि होता है, और ये स्टिमुलेट किसको करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये रोल है हॉर्मोन्स का स्पर्मेटोजेनेसिस में। चलिए पढ़ लेते हैं इसको अब हम। देखो अगले पॉइंट में क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ ऑल दीज डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय एंड्रोजन हॉर्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल से एक हॉर्मोन सिक्रेट होता है जिसका क्या नाम है, एंड्रोजन हॉर्मोन। कहां से सिक्रेट हो रहा है, लीडिंग सेल से सिक्रेट होता है, और ये क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है डक्ट्स का फंक्शन को और ग्लैंड्स के फंक्शन को, किस ग्लैंड को कितना सिक्रीशन करना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कौन स्टिमुलेट किसके द्वारा होती है, एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब स्पर्मेटोजेनेसिस जिस उम्र से स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है आपका, ठीक है ना, इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब बॉडी के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होने लगती है। और मेल्स के अंदर प्यूबर्टी जो आती है वो किस एज में आ जाती है, तो बच्चों ये आती है, अभी मैंने बताया 13 से 14 इयर्स की एज में, ठीक है ना, प्यूबर्टी आ जाती है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन GnRH। क्योंकि इस उम्र में, ठीक है ना, जब प्यूबर्टी आती है 13 टू 14 ईयर्स की एज में, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन GnRH सिक्रीट होता है। और कहां से सिक्रीट होता है, ये हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन होता है, GnRH फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन इसको हम कहते हैं, GnRH हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, ठीक है ना। तो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये सिक्रीट होने लगता है प्यूबर्टी के समय। और अभी मैंने आपको समझाया कि ये क्या काम करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां पर एक्ट करता था, लीडिंग सेल के ऊपर, और सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करवाता है जो कि है टेस्टोस्टेरोन। और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH है, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स को रिलीज करती है, और वो फैक्टर्स किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है ना, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। जब GnRH का लेवल बढ़ता है तो ये किस पर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है ना, और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन, और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो गोनाडोट्रोपिन्स, मतलब दो हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट होंगे, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ठीक है। तो ये याद रख ले भैया, ये जो GnRH हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहां से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो LH एक्ट कहां पर करेगा, LH एक्ट करता है एट द लीडिंग सेल, LH एक्ट करता है लीडिंग सेल पर, एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। और लीडिंग सेल से क्या सिक्रीट होता है भैया, एंड्रोजन सिक्रीट होता है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी इसको हम कह सकते हैं। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोजन हार्मोन जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को करवाता है, मतलब, ठीक है। और जो FSH है वो एक्ट कहां पर करता है, सर्टोली सेल के ऊपर, और ये क्या स्टिमुलेट करता है, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर सिक्रीट होते हैं, और ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं किस प्रोसेस में, स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने अभी लिखा था क्या होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें हेल्प कौन करता है, सर्टोली सेल से रिलीज हुए कुछ फैक्टर्स, जो कि कब रिलीज होते हैं फैक्टर्स, जब FSH हार्मोन
सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है। इतनी बात समझ में आ चुकी है क्या? तो ये था रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।